गाइस यहाँ पर हमारे पास तीन तीन पैकेट है बीड़ी बॉम्ब के। गाइस हमको पता नहीं है कि इनमें से कौन सा असली है और कौन सा नकली, तो हम क्या करेंगे गाइस इन तीनों के टेस्टिंग करेंगे। आप लोग देख सकते हो तीनों के तीनों पैकेट दिखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, मगर कुछ इनके अंदर आपको ऐसा देखने में लग रहा होगा अलग। मैं आपको बताऊंगा कौन सा असली है और कौन सा बिल्कुल नकली फेक मार्केट में बीड़ी बॉम्ब मिल रहे हैं। गाइस हम आपको बताएंगे कौन सा असली बीड़ी बॉम्ब है और कौन सा नकली है। तो चलिए पहले ट्राई करते हैं और देखते हैं इन सभी में से कौन सा बीड़ी बॉम्ब सबसे ज़्यादा अच्छा है। चलो मैं सबसे ट्राई करता हूँ, पहले गाइस इस बीड़ी बॉम्ब को ट्राई करते हैं, देखते हैं ये कैसे फटते हैं और फटते हैं या नहीं। मैं इसको जलाता हूँ गाइस और देखते हैं क्या ये फटेगा। फेंक दिया है मैंने गाइस, इतनी देर हो गई अब नहीं फटेगा है ना, बिल्कुल फेक है। चलो एक और ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है एक ना फूटा हो। चलो एक और ट्राई करते हैं गाइस और देखते हैं क्या फटेगा, ये फटेगा या नहीं। चलो फेंक दिया गाइस मैंने, ये भी फूस निकला। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, ये वाला जो मेरे पास मिक्की माउस वाला था ना, तो ये तो एक में से दो जला मैंने, एक भी नहीं फूटा है ना। चलो इसको रखते साइड में। अब गाइस यहाँ पर आता है, ये इस तरह का इंसान बना हुआ है, यहाँ पर बीड़ी पी रहा है ये। हमको नहीं पीना है, बीड़ी नहीं पीना है ना। हम इसके अंदर से जला के देखते हैं गाइस, या कुछ अंदर से तो बिल्कुल इस तरह से दिखते हैं हमको ना। चलो इसको भी जला के देखते हैं और देखते हैं ये असली है या नकली। फेंक दिया है मैंने। ओ गाइस बिल्कुल फेक यार। एक और ट्राई कर यार। एक और ट्राई करूँ? हाँ हो सकता है गाइस। चलो रैंडम उठाता हूँ गाइस, इतने सारे इसके अंदर है देख सकते हो आप लोग। चलो मैं जलाता हूँ और देखते हैं एक और फटता है या नहीं। गाइस आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आपको असली नकली की पहचान हम बता रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दो गाइस। नहीं फटेगा यार। चलो गाइस देखो, अब गाइस ये वाले बीड़ी बॉम्ब हमारे पास, एक और बीड़ी बॉम्ब है ना, तो हम आपको बताएंगे कि असली कौन से है और नकली कौन से है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग तीनों के तीनों पैकेट एक जैसे लग रहे हैं दिखने में। अब गाइस ये ट्राई करते हैं ना, इसके अंदर कुछ आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कौन सा असली है और कौन सा नकली, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें नकली चलती है गाइस है ना। चलो इसको जला के फेंकते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये फेंक दिया है मैंने, जल रहा है। ओ गाइस तगड़ा धमाका यार, एक फेंका वो भी फट गया गाइस, और हमने उधर दो दो फेंके फिर भी नहीं फटे है ना। चलो देखते हैं एक और फेंकते हैं और देखते हैं, ये भी जला है, धुआं निकल रहा है गाइस। ओ गाइस तगड़ा धमाका। तो गाइस आप लोगों ने देखा ना, दिखने में तीनों एक जैसे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ इनमें अंतर क्या है गाइस, हमको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस, इस पर मिक्की माउस बना हुआ है, ये हमको बिल्कुल भी नहीं लाना है, और इन दोनों में हम फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके अंदर ग्रीन क्रैकर्स लिखा हुआ है अलग से, और यहाँ पर ओरिजिनल लिखा हुआ है लाल अक्षर में ना, यहाँ पर ओरिजिनल कहीं लिखा हुआ नहीं है गाइस, आप लोग देख सकते हो। और इसको आप ध्यान से देखोगे ना गाइस, इसके अंदर MV लिखा हुआ है, अंदर दिख रहा है MV, इसके अंदर वो MV मिसिंग है, मतलब ये वाला पैकेट नकली है और ये वाला पैकेट भी नकली है। हम एक और ये पीछे भी देखो आप, यहाँ पावर रेंजर्स बने हुए हैं और MV लिखा हुआ है। और हाँ गाइस, एक इसकी एक बारीक पहचान और है, पैकेट के अंदर भी गाइस यहाँ पर MV लिखा हुआ है, और इनके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है पैकेट के अंदर है ना, दोनों ब्लैंक है ये। और एक चीज़ और गाइस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है गाइस, इस बीड़ी बॉम्ब के ऊपर भी ओरिजिनल लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग, दिख रहा है ओरिजिनल। इस सारे के सारे बीड़ी बॉम्ब के ऊपर MV, किसी के ऊपर MV लिखा हुआ है, किसी के ऊपर ओरिजिनल लिखा हुआ है। तो इसी तरह से गाइस हमको उल्लू बनाया जाता है, मगर अब आप लोगों को उल्लू नहीं बनना है और मार्केट से लाना है असली वाले बीड़ी बॉम्ब। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।